फिरोज गांधी भारत के एक राजनेता तथा पत्रकार थे। 1950 में वह अस्थाई संसद के सदस्य बने और 1952 तथा 57 में लोकसभा के लिए चुने गए थे। 1942 में उनका इंदिरा गांधी से विवाह हुआ, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। उनके दो पुत्र हुए, राजीव गांधी और संजय गांधी। फिरोज गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर एवं माता का नाम रतिमाई था और वे बम्बई के खेतवाड़ी मोहल्ले के नौ रोजी नाटक वाला भवन में रहते थे। फिरोज के पिता जहांगीर क्लिक निक्सन में एक इंजीनियर थे, जिन्हें बाद में वारंट इंजीनियर के रूप में पदोन्नत किया गया था। फिरोज उनके पांच बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके दो भाई दोराब और फरीदून जहांगीर और दो बहनें तहमीना, करशश और आलू दस्तूर थी। फिरोज का परिवार मूल रूप से दक्षिण गुजरात के भरूच का निवासी है, जहां उनका पैतृक गृह अभी भी कोट परिवार में उपस्थित है। 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता की मृत्यु के बाद फिरोज अपनी मां के साथ इलाहाबाद में उनकी अविवाहित मौसी श्रीन कमीसारेट के पास रहने चले गए, जो शहर के लेडी डफरीन अस्पताल में एक सर्जन थी। इलाहाबाद में ही फिरोज ने विद्या मंदिर हाई स्कूल से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर इरविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की लव स्टोरी बहुत चर्चित रही। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात 1930 में हुई थी। आजादी की लड़ाई में इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थी। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी बहुत देखभाल की थी। कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर जाते थे। इसी दौरान उनके और इंदिरा के बीच नजदीकियां बढ़ी। फिरोज जब इलाहाबाद में रहने लगे, उस दौरान वो आनंद भवन जाते रहते थे। फिरोज से इंदिरा की शादी 1942 में हुई, लेकिन जवाहरलाल नेहरू इस शादी के खिलाफ थे। हालांकि महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद दोनों की शादी इलाहाबाद में हुई। फिरोज को बापू ने अपना सरनेम भी दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज साथ में जेल भी गए। शादी के बाद दोनों के बीच काफी लड़ाइयां हुई। 1949 में इंदिरा दोनों बच्चों राजीव और संजय गांधी के साथ अपने पिता का घर संभालने के लिए फिरोज को छोड़कर चली गईं। फिरोज ने नेहरू सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और कई बड़े घोटालों को उजागर किया। बाद के सालों में फिरोज गांधी की तबीयत खराब रहने लगी। इस दौरान उनकी देखभाल के लिए इंदिरा गांधी मौजूद थी। 8 सितंबर 1960 को हृदयाघात से फिरोज गांधी का निधन हो गया था। देश में उनकी स्मृति में कोई खास आयोजन नहीं होते। संसद में फिरोज गांधी के भाषण से ही निजी बीमा कंपनियों की संदिग्ध गतिविधियों का भंडाफोड़ हुआ था। तो ये थी भारत के एक राजनेता और पत्रकार तथा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के विषय में कुछ जानकारी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी अनेकों जानकारियां पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।